हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.8। और ये क्वेश्चन ग्रेविटी से रिलेटेड है और इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड है। क्वेश्चन में गिवन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स काइनेटिक इट्स स्पीड। उसकी स्पीड 1/10 कम हो जाती है। ओके तो हमको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 12, है ना। मतलब हमने जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने स्पीड लिया है। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमने स्पीड लिया है वी, है ना। तो डेफिनेटली जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया है तो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका फिजिकल व्यू भी देख लेते हैं। यहाँ 90 मीटर अबोव से हमने इस बॉल को ड्रॉप किया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं स्पीड उसका v1 हो गया। ओके और वो वापस से रिबाउंड करेगी तो उसका स्पीड 1/10 रिड्यूस हो गया है, है ना। तो बचेगा कितना, यहाँ पर v2 कितना होगा, v2 होगा पहले v1 माइनस v1/10, इतना रिड्यूस हो गया है। v1/10 जो स्पीड था उसका 1/10 रिड्यूस हो गया, लॉस का मतलब रिड्यूस हो गया। तो हमको मिलेगा 9 v1/10, दैट इज v2। अब वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई तो उतनी हाइट पे वो जाएगा नहीं, तो यहाँ से हमको h2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सबसे पहला हमने टाइम कैलकुलेट किया t1, फिर हमने टाइम कैलकुलेट किया t2, फिर हमने हाइट कैलकुलेट किया, फिर वो वापस ग्राउंड पर आएगा, है ना, उतनी ही स्पीड से ग्राउंड पर आ जाएगा, फिर वापस वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर t2, देन आफ्टर t3, ओके फिर वापस हाइट पर जाएगा, तो फिर वो 1/10 उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो हमको चेक करना है कि टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 12 सेकेंड तक उसका स्पीड क्या हो। तो ये हमने फिजिकल एनालिसिस कर लिया कि ये सारा T1, T2, T3, T4, T5 हमको कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहले हम V2 कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे लीनियरली इंक्रीज होगी, है ना, ये वेलोसिटी लीनियरली और ऊपर कर देते हैं, लीनियरली इंक्रीज हो रही है। और कितने टाइम तक इंक्रीज होगी वो हमको चेक करना। तो इसके लिए हम दो बेसिक फार्मूले लगाएंगे। अगर एच हाइट से हमने किसी बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो किया है तो उसका स्पीड जो होता है वो होता है √2u। स्पीड की अगर हम बात करें तो √2gh। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, √2gh। और टाइम का फार्मूला होगा √2h/g। ओके तो अगर हमको T1 कैलकुलेट करना है, फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, T1 कैलकुलेट करना है तो T1 होगा √2h1/g। मतलब 2 इंटू एच का वैल्यू है 90 और g का वैल्यू हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास में आया 3√2। 3√2 मतलब 3 इंटू 1.41। सो 3 1 जा 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 4, 4.23 सेकेंड हमारे पास में आया। कितना आया, 4.23। तो ये जो T1 होगा वो होगा 4.23। ओके अब यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें, V1 की बात करें, तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, √2gh, है ना। तो यहाँ पर √2g का वैल्यू हमने 10 लिया है और h का वैल्यू हम 90 ले लेते हैं। तो यहाँ से 10, ये 10, मतलब बाहर आ गया 30। कितना आ गया, 30√2। तो हमको स्पीड मिलेगा 42.3 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा, 42.3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो स्पीड हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.3 मीटर पर सेकेंड। ओके इतना हो गया। ओके अब सेकेंड केस हम देखते हैं। सेकेंड केस में अगर हम V2 की बात करेंगे, तो V2 अब हमारे पास में होगा 9 V1/10। जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर 1/10
वेलोसिटी का लॉस हुआ है, तो बचा कितना, 9v/10। ओके, तो यहाँ पर 9/10 इंटू 42.3 उसका स्पीड बचा। ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 38.19। कितना मिलेगा, 38.19 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से वापिस से 38.19 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया है, तो ऊपर जाएगा 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 वेलोसिटी उसका। अब वेलोसिटी कितना हो गया, अब वेलोसिटी हम यहाँ पर ग्राफ में कलर चेंज कर लेते हैं, तो अब वेलोसिटी यहाँ पर 30 यहाँ पर पहुँच गया। ये कितना है, ये है 38.19 आफ्टर वन कोलिजन। अब वेलोसिटी उसका डिक्रीज होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगा, और जब वो वापस ग्राउंड पे कोलाइड करेगा तो फिर उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा और वापस स्पीड इंक्रीज होगा और वापस उतना ही हो जाएगा। तो ये ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, है ना, इसे हम और आगे इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा ग्राफ को हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा अरे आगे खींच लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी था और यहाँ पर टाइम था। ओके, तो ये टाइम हमको निकालना है और ये इक्वल टाइम होगा, तो हम यहाँ से इस स्पीड की हेल्प से सबसे पहले T2 फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना ऊपर जाएगा, तो वो फार्मूला होगा U/G, है ना, मतलब कि 38.9 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 3.89 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 3.89 सेकेंड, तो 3.89 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, 4.23 प्लस 3.89 फिर 3.89, यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा 3.89 और ये टाइम भी होगा 3.89। तो अभी तक हम कितने टाइम तक पहुँच गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर टोटल टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टाइम है ये 12.1 सेकेंड आ गया है, मतलब अप्रोक्सीमेट 12, है ना, तो ये हमारा आंसर है, है ना? तो यहाँ पर हम पहुँच गए 12.1 सेकेंड तक। तो ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है इसे थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, है ना, इसे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ब्लू कलर से, वायलेट कलर से हाईलाइट कर देते हैं, तो ये ग्राफ ऐसा गया, है ना, ये ग्राफ ऐसा गया यहाँ तक, फिर वो डिक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फिर ग्राफ ऐसा नीचे जाएगा, वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी, फिर इंक्रीज होगी। ओके, इतने में 12 सेकेंड हो जाएंगे। सो दैट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।